लास्ट क्लास में हम सॉरी लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हम CF कैसे फाइंड करेंगे. हमने CF फाइंड किया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. और सेकंड पार्ट अब हमने जो फाइंड करना है वो है हमारा PI. आपको पता है कि हमने PI का डिफाइन किया था कि PI हम फाइंड कैसे करते हैं. आपको पता है हमारी जो Q फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है. तो जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो क्यू तो हम अपना थर्ड रूल अप्लाई करेंगे. लास्ट लेक्चर में जो हमने रूल्स डिफाइन किए थे उनमें से थर्ड रूल वो क्या था, उसमें हम PI को ऐसे देखते हैं, PI इज इक्वल टू 1/f(d) जो डिफरेंशियल फंक्शन है हमारे पास वो इनटू जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है. हमारे क्वेश्चन में देखिए 1/ डिफरेंशियल फंक्शन है DQ-1 इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e^x+1 होल स्क्वायर. आप क्वेश्चन में देखें कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट था और ये डिफरेंशियल पार्ट था. इसके बाद हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे. 1/DQ-1 एक्सपोनेंशियल होल स्क्वायर है. हमने इसको फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया, ठीक है. उसके बाद देखें हम अलग अलग डिफरेंशियल पार्ट को पूरी अंदर इक्वेशन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1/DQ-1 e^2x प्लस 2 into 1/DQ-1 e^x+1/DQ-1. इस 1 को हम e^0 लिख सकते हैं. किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 होती है. ओके, अब हमें करना क्या है इस इक्वेशन के बाद देखें यहाँ रूल पे आए. हमने ये रूल अप्लाई किया है. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/f(a). f(a) कहाँ पे है, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर होती है, जो भी एक्सपोनेंशियल में हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है. उसको हम उस इस f(d) में हम d को a से रिप्लेस करते हैं. बट f(a) मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. अगर 0 हो जाता है तो हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, इसको 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन जो हम अफोर्ड नहीं करते. तो हमें क्या करना है, डी एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x के साथ कॉफिशेंट है हमें f(d) डिफरेंशियल फंक्शन में d को उस कॉफिशेंट से रिप्लेस करना है. कैसे, यहाँ पे देखें DQ-1 है हमारा एक्सपोनेंशियल की पावर है 2x, x के साथ कॉफिशेंट है 2. तो हम इसको d में जब 2 को पुट करते हैं 2^3 - 1, दिस इज़ 8 माइनस 1, तो 7 है, 0 नहीं हो रहा. अगर ये 0 नहीं हो रहा तो इट्स ओके. सेकंड फंक्शन में देखें 2, अगर हम इस d की जगह पे यहाँ पे x के साथ कोफिशेंट है 1 को पुट करते हैं तो 1³-1 = 0, अगेन अनडिफाइंड हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे फंक्शंस में जहाँ f(a) 0 हो जाता है डिनोमिनेटर में, हम उसको x से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिफरेंशियल पार्ट का विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू d, ठीक है. तो हमारा फंक्शन क्या बनता है, 2, और x वो जिससे हमें मल्टीप्लाई कराना है, 1/DQ-1. DQ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3d² 1 का 0 इंटू e^x एज इट इज़ प्लस अगेन यहाँ पे e^0 है, 0 है तो हम d की जगह पे 0 पुट करें, 0³-1 = -1, इट्स ओके. तो 1/8-1 ये सिंप्लीफिकेशन कर रखी है, आप सॉल्व करके देखें. 1/8-1 e^2x प्लस 2x 1/3, अगेन d की हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशेंट है 1, हम उसको पुट कर देंगे, प्लस 1/1 - 1 इंटू e^0x. जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा PI आता है 1/7 e^2x प्लस 2/3 x e^x - 1. ये है हमारे पास PI. अब आपको पता है हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं. कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF + PI, और हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ऑलरेडी CF और PI को फाइंड कर चुके हैं. CF और PI को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आता है C1 e^x प्लस e^-x/2 इंटू C2 cos√3/2x प्लस C3 sin√3/2x प्लस PI का वैल्यू 1/7 e^2x प्लस 2/3 x e^x - 1. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन पर्टिकुलर इंटेग्रल.
आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्वेश्चन को देख के कैसे फाइंड करेंगे कि सी एफ है तो हमें इस तरह से सी एफ लिखना है। हम रूट्स की बेस पे सी एफ को लिखते हैं और पी आई को हम अपने फंक्शन की बेस पे लिखते हैं कि ओके अगर ये फंक्शन है तो इसमें इस तरह से ये रूल लगेगा और हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो क्लास ये एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।